खबर छत्तीसगढ़ की अंबिकापुर से, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले का भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। आपको बता दें, परसा ईस्ट के तिब्बासिन में कोयला खनन की मंजूरी बात से ही विरोध देखा जा रहा था, तो वहीं हसदेव जंगल को काटने का विरोध ग्रामीण भी लगातार कर रहे थे। लेकिन बीते दिनों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में 42 एकड़ से अधिक पेड़ों की कटाई की गई। इसके विरोध में भाजपा के द्वारा कोल खदान में जाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मामले को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने कहा, जिस तरह से लगातार ग्रामीणों का विरोध हसदेव जंगल को काटने को लेकर किया जा रहा था, उस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था, एक भी पेड़ कटेगा तो मैं सबसे पहले गोली खाऊंगा। लेकिन आज लाखों पेड़ कट गए, मंत्री कहीं दिखाई नहीं दिए, उन्हें सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इस दौरान भाजपाइयों ने सिंहदेव बाधा निभाओ गोली खाकर पेड़ बचाओ के नारे लगाए। वहाँ हम लोग को रोक दिया गया प्रभावित क्षेत्र में। टीएस सिंहदेव इस क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि यदि कोई आंदोलन होगा, कोई जब बलपूर्वक पेड़ काटे जाएंगे और पुलिस उसमें बलपूर्वक कराएगी, तो यदि पुलिस गोली भी चलाएगी तो मैं गोली खाऊंगा। आज पूछने आए हैं, कहाँ हैं मंत्री जी, आपकी जनता यहाँ पर प्रताड़ित हो रही है। आपको ये बता दूं कि इसके लिए सभी प्रकार की स्वीकृतियां प्राप्त हैं, चाहे वो केंद्र शासन की हो, चाहे राज्य शासन की हो। विशेष रूप से ये बताना चाहूँगा कि ये परसाइस्ट केते बासेन जो प्रथम परियोजना है, उससे रिलेटेड है वृक्ष कटाई, और इस परियोजना के लिए, इस कोल ब्लॉक के लिए केंद्र शासन और राज्य प्रशासन से सभी प्रकार की अनुमतियाँ प्राप्त हैं।